अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो जो है वो है मेरी इस रोटो कलर के ऊपर, जो कि ये स्विट्जरलैंड का ब्रांड है। इसका नाम है एल्पिना, जो कि स्क्रीन पे आपको उल्टा जो है वो इस वक्त दिख रहा होगा, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है मैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगी। तो ये है एल्पिना, स्विट्जरलैंड का जो है ये ब्रांड है। तो इसके साथ जो है हमें दो ब्रश जो है वो दिए हुए हैं, और इसके फंक्शंस क्या हैं ये मैं आपको इसको ओपन करके जो मैं दिखाती हूँ। पहले आप इसका बॉक्स देख लीजिए, ये इस तरह से जो है ये इसका बॉक्स आता है, ठीक है। और इसके जो फीचर्स हैं वो सब जो है वो यहाँ पर मेंशन है, ये आप देखें, ठीक है। तो ये मैं आपको ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसे मैंने ओपन किया है, तो इसके अंदर जो है ये इसकी बुकलेट है। इसके अंदर ये किस तरह से यूज़ करना है ये सब आपको जो है वो इसके अंदर पूरा जो है वो मेंशन है, ठीक है। और साथ ही इसके ये निकाल के आपको दिखाते हैं, ये आप देखें ये कुछ इस तरह से है। अच्छा, एक जो है ये इस तरह के जो है ये पैक के अंदर होता है। ये इसका ब्रश, हमें एक ब्रश जो है इसमें लगा हुआ है और एक इसके साथ जो है वो हमें ब्रश दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो ब्रशेस जो हैं वो हमें दिए गए हैं, एक आप देखें, एक ये है कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसको निकालना और इस तरह से ये ऊपर जो ये बटन दिया हुआ है इसको आप यूं करके प्रेस करेंगे तो ये निकल आएगा इस रॉड से, ठीक है। और इसको आपको दोबारा लगाना है तो आप सिंपल इस तरह से इसको लगा लेंगे, ठीक है। आवाज़ आ जाती है तो ये लग जाता है। और सेम इसके साथ हमें इस तरह का भी जो है ये दो ब्रशेस दिए हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ना आप ये देखें प्लास्टिक के भी हैं और साथ साथ जो है ये इस तरह के भी जो है ये ब्रिसल्स वाला है, ठीक है। इसमें दो तरह के जो है ना वो इसमें हैं ब्रिसल्स, और इसमें जो है ना वो आपको प्लास्टिक का जो है ना ये आप देख सकते हैं, दोनों में एक हमें इस तरह का ब्रश मिला हुआ है और एक हमें इस तरह का ब्रश मिला हुआ है, ठीक है। दोनों ने काम जो है वो एक ही तरह का जो है रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और इसको यूज़ किस तरह से करना है ये देखें, इसके ना यहाँ पर सारे फंक्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं, मैं आपको ऑन करके जो है मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ये ना आप इसको रोटेट करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो वैसे ही बस अपने बालों को लेकर ऑन करके आप ऐसे ही अपने बालों पर खुद ही इसको अपने हाथों से जो है वो घुमाकर जो है अपने बालों को ब्लो ड्रायर कर सकते हैं, ठीक है। एक ये ऑप्शन है, और एक आप राइट और लेफ्ट का जो है ना इसमें बटन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप अपने मतलब ये ऑटोमेटिकली जो है ये रोटेट होगा, ठीक है, मतलब आपको जो है ना अपने हाथों से जो है वो इसको यूं करना नहीं पड़ेगा, बस आपको एक जगह रखना होगा तो ये खुद आपके जो है वो बालों को जो है वो घूम के कर्ल्स कर देगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है रोटो कलर, क्योंकि ये खुद से भी जो है वो आपके बालों को कर्ल्स कर देगा, क्योंकि इसकी जो ये वाली साइड है ब्रश वाली ये खुद जो है रोटेट होगी, ठीक है। राइट और लेफ्ट, अगर आप राइट की तरफ प्रेस करेंगे तो राइट की तरफ साइड पर जो है ये रोटेट होगा ब्रश आपका, और अगर आप लेफ्ट साइड पर अगर आप प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पर जो है ये प्रेस होगा, ठीक है। प्लग जो है लगाने से पहले मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कि ये इस तरह का जो है ना ये इसका है। अब मैं इसको ऑन करती हूं और मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह से जो है ये यूज होगा। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन है, तो आपको इसमें कूल भी मिलेगा और इसमें आपको गर्म, दोनों तरह के जो है वो आपको हीट जो है वो इसमें मिलेगी, ठीक है। अगर आप इसको ठंडा अगर आप ब्लो ड्रायर करना चाहते हैं तो आप ठंडा यूज करेंगे, अगर आप इसको गर्म अगर आप ब्लो ड्रायर करना चाहते हैं तो आपको गर्म भी मिलेगा, ठीक है। इसमें दो ही सिर्फ हीट हैं, दो ब्रश हैं और दो ही हीट के ऑप्शन हैं। ऐसा नहीं है कि लो मीडियम हाई ऐसे नहीं है, सिर्फ दो हैं, कूल और हॉट, ठीक है। जब आप इसको थोड़ा सा यहाँ से आप देखें, इसको आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा कूल देगा, ठीक है। मतलब कूल इन द सेंस के थोड़ी सी कम जो है ना इसमें आपको गर्म जो है वो हवा दे रहा है, इतनी ज़्यादा तेज जो है वो गर्म हवा नहीं आ रही थी, ठीक है। और इसी को थोड़ा सा अगर आप ऊपर करेंगे तो इसमें थोड़ी ज़्यादा जो है वो हीट आपको मिलेगी, ठीक है। ये आपको गर्म हवा, ज़्यादा गर्म हवा दे रहा है, ठीक है। इसमें आपको पता चल रहा है कि हाँ गर्म हवा आ रही है, ठीक है। तो ये दो जो है ये ऑप्शन हो गए, और इसको रोटेट भी करेंगे तो ये अभी शोर आ रहा था तो मैंने कहा आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी, तो इसलिए मैंने अभी बंद किया, ठीक है। अब इसी को आपने अगर आपने ठंडा रखना है तो आपने ठंडा ऑन किया, अगर आपने गर्म अगर आपने करना है तो आपने गर्म इसको ऑन करके, और राइट और लेफ्ट आप किस तरह से इसको यूज़ करेंगे तो इसका मैं आपको थोड़ा सा डेमो जो है मैं दे रही हूँ, तो आप देखें किस तरह से जो है ये ब्रश इनका इसका रोटेट होता है, ठीक है। अच्छा, ब्लो ड्रायर में मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि बाल जो है आपका 20 या 30% जो है वो आपका बाल जो है वो वेट होना चाहिए, ठीक है। आपके बाल पूरे जो है वो 100% वेट भी नहीं होने चाहिए और पूरे 100% ड्राई भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब हल्के से जो है ना आपके बालों में जो है वो नमी होनी चाहिए, ठीक है। और आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा स्टे चाहिए अपने बालों पे, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो ब्लोड किया है वो ज़्यादा देर तक जो है वो स्टे करे, तो आप क्या करेंगे, मतलब कर्ल्स अगर आप चाह रहे हैं वो ज़्यादा देर तक स्टे करे, तो आप थोड़ा सा अपने बालों पर मूज भी जो है वो लगाएंगे और उसके बाद जो है आप इसको ब्लो ड्रायर को जो है वो अपने बालों पे करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ आपको डेमो दे रही हूँ, एक सिर्फ करके दिखा रही हूँ ऐसी, तो मैं मूज जो है मैं नहीं लगा रही, ठीक है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपके कर्ल ज़्यादा देर तक जो है वो स्टे करें तो आप पहले बालों पर मूज लगाएंगे, मूज लगाने के बाद जो है आप इस ब्लो ड्रायर को जो है वो यूज़ करेंगे। अब आप देखें मैं इसको ऑन कर रही हूँ, पहले मैंने नीचे से लिया फिर मैंने ऊपर से जो है बालों को किया, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ ऐसे ही स्ट्रेट हो जाएं, कोई कर्ल्स वगैरह नहीं आए, तो फिर तो आप इसको ऐसे ही जो है वो करेंगे, ठीक है, खुद से आप इसको चलाएंगे। और इसके साथ साथ आपके पास जो है मैंने आपको बताया कि दो ऑप्शन हैं राइट और लेफ्ट का, तो ये देखिए इस तरह से
रोटेट होगा, ये देखें खुद जो है वो ब्रश जो है वो हमारा रोटेट होगा। आपके बाल मतलब ये ड्राई भी हो जाएंगे और साथ साथ ग्लो ड्राई भी जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये पर्सनल यूज़ के लिए जो है मैं कहती हूँ कि बहुत बेस्ट है कि आप ये इस्तेमाल करें। और साथ ही जो है वो दूसरी साइड में अगर करूँगी तो ये दूसरी साइड भी जो है ये इस तरह से राइट और लेफ्ट ड्राई हो जाएगा, ठीक है। आप देखें मैंने अभी, अच्छा अब आप देखें अभी मैंने सिर्फ इसको स्ट्रेट किया है। अच्छा मुझे जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल ये लग रहा है कि मैं इसको रोटेट ना करूं राइट और लेफ्ट, ठीक है। मैं सिर्फ इसको ऑन करके जो है मैं इसको अपने हाथों के ही प्रेशर से जो है मैं इसको रोटेट करूं, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूं कि अब इसको अगर आप चाहते हैं कि इनवर्ड और आउटवर्ड अगर आप ब्लो करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से करेंगे। आपने सिर्फ इसको ऑन किया और आपने इसको थोड़ा अपने आप राइट और लेफ्ट अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा हाथ जो है इस तरह से सेट है तो मैं इसको इस तरह से खुद ही अपने हाथों से इसको इस तरह से प्रेस करके थोड़ी देर के लिए जो है मैं नीचे इसको छोड़ दूंगी, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए जो है मैं इसको यहाँ पर नीचे जो सिर्फ को मुझे इसको थोड़ा सा इन्वर्ट करना है क्योंकि ग्लो जो है वो इन्वर्ट ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो मैं इसको इन्वर्ट की तरफ से मैं थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ूंगी, उसके बाद जो है मैं इसको निकालूंगी, ठीक है। तो ये आप देखें हमारा, सॉरी ये आप देखें इस तरह से, ये इस तरह से जो है ये आप देखें हमारा इन्वर्ट ग्लो जो है वो हमें मिल रहा है, ठीक है। ये आप देखें थोड़ी देर के लिए जो है मैं नीचे इसको नीचे की तरफ जो है मैंने टिप्स पर जो है मैंने इसको छोड़ दिया, तो जिससे जो है वो हमारा गैप देखें इस तरह से, मैं अभी शोर में आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये देखें इस तरह से मैंने इसको लिया बालों को यूं, और इसके बाद यहाँ नीचे टिप्स की तरफ जो है मैंने इसको कुछ सेकंड्स के लिए मैंने छोड़ा और इस तरह से उसके बाद जो है मैंने इसको ब्रश से निकाला तो इस तरह का जो है वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये अब आप चाहें तो इनवर्ड आउटवर्ड जो भी आप अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं। और इसका रोटेट वाला जो है वो मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास जो है वो मज़ा नहीं आ रहा कि मैं इसको मतलब रोटेट करते हुए ही मैं इसको छोड़ दूँ, ठीक है। आप चाहें तो यूँ करके भी कर सकते हैं राइट और लेफ्ट, ठीक है। लेकिन मेरी जो है वो आदत जो है वो इसमें है कि मैं इसको ऑटोमेटिक वाली चीज़ के बजाय मैं अपने हाथों के ही प्रेशर से जो है मैं इसको यूज़ करूँ इस ब्रश को, ठीक है। तो आप भी चाहें तो आप अपना कर रहे हैं, अगर आपको जिस चीज़ पे आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप इसको खुद से रोटेट करना चाहते हैं तो आप वैसे कर लें, वरना आप चाहें तो इस। तो ये आज का जो है मैंने आपको इस ब्लो ड्रायर ब्रश को किस तरह से यूज़ करना है मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ब्रश की पूरी जो है आपको कंप्लीट जो है मैं आपको लुक दिखाऊं, पूरा जो है वो एक बालों पे एक कंप्लीट लुक दिखाऊं, तो भी आप मुझे कमेंट करके जो है वो जरूर आप मुझे बताएं, तो मैं आपको पूरा जो है कंप्लीट जो है ब्लो ड्रायर का लुक भी जो है मैं दिखा दूंगी कि इस ब्रश से आप किस तरह का जो है वो ब्लो ड्रायर का रिजल्ट आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और मैं तो ये कहूंगी कि ये सेल्फ अगर आपको अपने बालों पे ब्लो ड्रायर करना है और आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे मतलब एक हाथ से ड्रायर पकड़ें और एक हाथ से आप ब्लो ड्रायर का ब्रश पकड़ें तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उनके लिए मैं कहती हूँ बेस्ट है, आप अपना ब्लो ड्रायर भी हो जाएगा और आप इजीली जो है घर पर अपना आराम से ब्लो ड्रायर कर लेंगे, आपको सैलून भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये ब्लो ड्रायर ब्रश जो है मुझे आप 5000 के अंदर अंदर जो है मुझे मिला है, आई थिंक 4600 का जो है ये मुझे मिला है। और इससे दूसरी कंपनीज में अगर आप लेंगे तो इससे ज़्यादा महंगे भी जो है वो आपको मिलेंगे, लेकिन जिस तरह मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी वीडियोस में मेरी कोशिश होती है कि थोड़े से अफोर्डेबल ही प्रोडक्ट्स जो है मैं आपको बताऊँ, तो दूसरे ब्रांड्स की बनिस्बत जो है ये मुझे थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली लगा था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसी पर जो है मैं वीडियो जो है मैं बनाऊँ। तो आपको अगर आप इसका चाहते हैं कि मैं कंप्लीट आपको ब्लो ड्रायर का लुक दिखाऊं कि किस तरह से जो है वो हमें रिजल्ट मिलते हैं, तो भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं तो ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।